मैं हूँ रोशी और आज मैं एक और रेसिपी लेके आई हूँ एक स्वीट की, क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रहा है तो मैंने सोचा एक गणेश जी का फेवरेट स्वीट कुछ बनाते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ चूरमा के लड्डू, जिसके लिए आपको मालूम है कि ओनली बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही हमें चाहिए, घर पे ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए शुरू करते हैं चूरमा के लड्डू बनाना। तो उसके लिए हमें चाहिए पानी, गेहूं का आटा दैट इज व्हीट फ्लोर, शुगर, मैं ले रही हूँ एक बाउल गेहूं का आटा, हाफ बाउल शुगर, हाफ बाउल शुगर एंड 2 चम्मच घी और 1 बाउल लेंगे तेल। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल डालूंगी, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने आटा गूंथ लिया है। अब हम क्या करेंगे, शुगर यूज़ करनी है, उसके लिए हमें ये शुगर का पाउडर बनाना पड़ेगा। तो मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे एकदम फाइन पाउडर बनने तक। आप चाहे तो बाज़ार से तैयार पाउडर भी ला सकते हैं, बट क्योंकि मैंने बोला कि घर में बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाना है और मुझे बाहर लेने जाना नहीं था, तो मैं इसीलिए इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शुगर का पाउडर बन चुका है, फाइन पाउडर है, चेक कर लीजिएगा, एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए ताकि लड्डू में मतलब बड़े बड़े पीसेस ना आए। तो अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करूंगी, जो है पूरी बनाना। तो फ्रेंड्स अब हम पूरी तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो फ्रेंड्स हम अब पूरी बना लेते हैं। आप कैसे भी शेप में बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड ही करना होगा। कितनी भी मोटी बना सकते हैं, कौन से भी शेप में बना सकते हैं। बस मैं इतना ही बनाऊंगी, ऐसे ऐसे काट लूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने सारे आटे की ऐसे पूरी बना ली है एंड ऐसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। अब मुझे बस फ्राई करते जाना है एंड आप देख सकते हैं तेल गरम हो गया है, तो मैं एक एक करके सब पूरियों को तल लूंगी। पर मैं हमेशा से ऐसे पूरी बना के ही उसको क्रश करके ही लड्डू बनाती हूँ, तो मैं उसी तरह से आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स अब हम पूरी को भी क्रश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पूरी को भी ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, फाइन पेस्ट तक, ऑलमोस्ट फाइन पेस्ट है। अब इसे भी मैं डाल दूंगी और लाइकवाइज मैं सभी पूरियों को क्रश कर लूंगी। तो फ्रेंड्स हमने सारी पूरियों को ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए एक फाइन पेस्ट में। अब हम इन पूरियों के पेस्ट को और ये पाउडर्ड शुगर और ये हमारा 2 चम्मच घी जो हमने निकाला था, वो ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और फिर उनके राउंड राउंड लड्डूस बना लेंगे। बस इतना ही करना था। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने घी, पाउडर शुगर और पूरी ग्राइंडेड पूरी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी भी थोड़ा थोड़ा पाउडर शुगर मिक्स होना बाकी है। आप चाहे तो शुगर आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाली थी तो मैंने आधा बाउल ही यूज़ किया है। एंड घी भी मैं कम यूज़ कर रही हूँ। जिनको ज़्यादा स्पेशली देसी घी खाने का शौक़ है वो लोग ज़्यादा घी ऐड कर सकते हैं। बाकी इतने से घी में भी लड्डूस बन सकते हैं, आप देख लीजिए। आसानी से लड्डूस बन रहे हैं, तो इतना घी इनफ है। आप चाहें तो और ज़्यादा घी डाल सकते हैं। एंड इसे इसे और हेल्दी बनाने के लिए अगर आप चाहें तो शुगर फ्री शुगर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे दो लड्डूस बन चुके हैं। इसी तरह मैं तो इसी तरह बाकी लड्डूस भी बना लेते हैं। देखिए मैं दोनों हाथों से बना रही हूँ। सारे लड्डू बना लिए हैं। कितना बना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 लड्डूस। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप मेरी सारी रेसिपीज और सारे वीडियोस देख सकें। तो आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म। बाय बाय।